गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, एजुकेटिव प्लान चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव प्लान चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको सिक्योरिटी नॉलेज मिलता रहे। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। यानी कि जो भी आप आईटी कंपनी में जाते हैं, कौन से मॉल में बड़े बड़े जाते हैं, तो वहां पे एक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो कौन से ऐसे एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स है जो कंपनी की सिक्योरिटी करते हैं, वहां से अनऑथराइज पर्सन को रोकने के कार्य करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन से टाइप्स के एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स कंपनी में आपको दिखाई देते हैं, बिठाए जाते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है और उसका गोल क्या होता है। तो उसका गोल होता है दोस्तों, द गोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज मिनिमाइज द सिक्योरिटी रिस्क एंड अनऑथराइज एक्सेस टू फिजिकल एंड लॉजिकल। यानी कि जो भी कंपनी में जाने वाले एम्प्लॉयज और वेंडर है, स्टाफ है, जो भी है, वो अनऑथराइज अंदर न जाए और जो सिक्योरिटी रिस्क है उसी की मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, इसलिए टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म बिठाए होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होते क्या है और कौन से है, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले। तो फर्स्ट में आप कंपनी में एंट्री करते हो तो आपको कंपनी में अगर एम्प्लॉय हो या तो वेंडर हो तो आपको बैच दिया जाता है, आपका फोटो बैच आपको दिया जाता है ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो और आपका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद ही सिक्योरिटी आपको अंदर जाने के लिए अनुमति देती है। तो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी उस बैच से आपकी कंपनी में जो भी मेंबर हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो या तो सब स्टाफ हो, उसकी पहचान होती है, आइडेंटिफाई होते हैं। तो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में होता है कार्ड रीडर्स। कार्ड रीडर्स बैच के आगे की स्टेप है, यानी कि आपको जो फोटो बैच इश्यू किया होता है उस फोटो बैच में जो भी ऑथोराइज है आपका, तो उसमें एक डेटाबेस चिप होता है, उसमें आपको उस डोर का ऑथोराइज डोर का एक्सेस दिया होता है आपका, उसमें क्रेडेंशियल होता है, डेटाबेस में होता है। तो जब भी आप बैच आपके कार्ड रीडर पे सर्व करते हो तो कार्ड रीडर जो भी डेटाबेस है उसमें प्रेजेंट क्रेडेंशियल का क्या होता है, जो भी डेटाबेस है वो मैच कर देता है, वही पर्सन है क्या, उसको अनुमति है क्या डोर ओपन करने की। तो कार्ड रीडर वो डोर अगर अनुमति है तो ओपन कर देता है, अगर आपको अनुमति नहीं है तो डोर वैसा ही रिमेंस लॉक रह जाता है, लॉक्ड हो जाता है। तो बैजेस के बाद दूसरा स्टेप है कार्ड रीडर वो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का। नेक्स्ट होता है टर्नस्टाइल। जो भी आप एक बैच लेके जाओगे, कार्ड रीडर देखोगे तो ये कार्ड रीडर डोर्स और जो टर्नस्टाइल एंट्री होती है तो जो फ्लैप्स होते हैं उसके ऊपर एक कार्ड रीडर बिठाया होता है। तो जब भी आप बैच लेके अपनी कंपनी में एंटर करोगे तो उस कार्ड रीडर पे आप सर्व करोगे, उसके बाद ही जो टर्नस्टाइल्स उसके फ्लैप होते हैं ओपन दी वो तो हो जाते हैं, अगर ऑथोराइज है तो, नहीं है तो वो फ्लैप वैसे बन जाते हैं, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती। तो ये बैचेस और कार्ड रीडर्स टर्नस्टाइल, यानी कि बैच आपके आईडी बैच होता है तो एक कार्ड रीडर आपके टर्नस्टाइल पे लगा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है रोटेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी डोर। जब भी एक टर्नस्टाइल जैसे ही किसी एरिया में जाने के लिए रोटेटिंग सिक्योरिटी डोर होते हैं, वहां पे कार्ड रीडर होता है, जब भी आप सर्व करेंगे तो पूरा डोर घूम जाता है और आपको अंदर एंट्री करने की परमिशन देता है, नहीं तो अगर आपका कार्ड ऑथोराइज नहीं है तो वो डोर वैसे ही बंद रहता है, वो घूमता नहीं तो अंदर जाने के लिए आपको एंट्री नहीं मिलती है। उसके बाद भी होता है नेक्स्ट पिन कोड्स कार्ड रीडर्स, यानी कि जो पिन कोड्स होते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, प्रायोरिटी एरिया होता है, वहां पे किसी पर्सन जो भी प्रायोरिटी होती है, यानी कि एमडीएफ रूम हो, क्रिटिकल रूम हो, ऐसे जिसमें जाने के लिए एक पर्टिकुलर आईटी पर्सन या तो जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उसी काम के लिए जा सकते हैं, तो आपको उस पिन कोड का आपको पता होता है, हर एक को अलग अलग पिन कोड दिया जाता है, वो पिन कोड दबाने के बाद ही आप एक्सेस कार्ड और उसके स्वैप करने के अंदर जा सकते हैं। कि क्रिटिकल्स और प्रायोरिटी रूम्स होते हैं वहां पे पिन पेयर आपको दिखाई देते हैं, जो भी किसी को भी पिन कोड पता नहीं होता है, जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनको ही अपना अपना पिन कोड पता होता है। उसके बाद में होता है लॉक एंड की। अदर जनरल डोर्स होते हैं, जो भी मीटिंग रूम्स होते हैं, जो भी मेन गेट एंट्रेंस होते हैं वहां पे आपको लॉक एंड की दिखाई देगी, जो भी उनको लॉक करके, जो भी सिक्योरिटी है उसको लॉक करके जो भी अनऑथराइज पर्सन है उसको आने से मना कर देता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है एक्सेस कंट्रोल से, और भी है उसमें, एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, की एंड लॉक तो हमने देखा है। उसके बाद में होता है बायोमेट्रिक सिस्टम, जो भी आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हैं तो आपका थंब लेते हैं या तो फेस मैच करते हैं, बायोमेट्रिक या फेस मैच करते हैं,
तो उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। मोशन डिटेक्टर होता है जो भी आपकी जो मूवमेंट होता है उसको जांच करता है, और उसके बाद ही अंदर जाने की सिस्टम ये करता है। फेंसेस होते हैं यानी कि बड़े गेट्स होते होते वहां वो खोलने आपको ऑथराइज है तो ही अंदर जाने की अनुमति देते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कंपनी में कि टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म कौन से है और कैसे उसका यूज होता है, तो आपको इंटरव्यू में फेस करने के बाद टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म पूछेगा तो आपको बताना नहीं चाहिए। पहले बैच, उसके बाद कार्ड रीडर्स, उसके बाद टर्नस्टाइल डोर्स, उसके बाद रोटेटिंग सिक्योरिटी डोर्स, उसके बाद पिन कोड कार्ड रीडर्स और लॉक एंड की, बायोमेट्रिक सिस्टम, मोशन डिटेक्टर, ये आदि चीजों का एक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में यूज होता है कंपनी में, उसका प्रोटेक्शन होता कंपनी का करते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।